उससे क्या किस तरह की मैसेज आप समाज को देना चाहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान तो आप हर जगह बोर्ड देख ही रहे हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, लेकिन उसके साथ साथ हमें बेटे समझाओ का भी अभियान जरूरी है। अगर हमारे बेटे समझदार होंगे तो शायद बेटियां बचेगी और बेटियां पढ़ने सुरक्षित जाएगी, तो ये जरूरी है। और मैंने एक बेटी के ऊपर ही अपने, जब ये मेरी बेटी 2 साल पहले एक इंटरव्यू दी थी, मेरी खुद की बेटी, जी पापा मैं IPS बनना चाहती हूँ, उस समय मैंने सिनेमा सोचा था और सर से मैंने बातें की तो सर का भी एक सवाल मेरे लिए आया कि खेसारी जी भोजपुरी में इतना सोशल सिनेमा चलेगा क्या? मैं बोला कि सर रिस्क तो है, क्योंकि हर आदमी मसाला फिल्में बना रहा है, हर आदमी कहीं ना कहीं, और आजकल तो देख ही रहे हैं जो बहुत सारे बल्गरटी सिनेमा में भी आ रहे हैं। तो आप, मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा आप सबसे कि बल्गर सिनेमा अगर कोई भी बनाता है और कोई भी गाना डालता है तो प्लीज आप सिनेमा जब नहीं देखने जाएंगे तो शायद वो अच्छी सिनेमा बनाएगा। आप अगर उसी के तरफ मुंह मोड़ देंगे कि नहीं मुझे मजा आ रहा है, तो आप अपने मजा लेने के लिए आप अपने भोजपुरी के भविष्य को नीचे लेकर जा रहे हैं। तो खुद के मजा लेने के लिए प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो जब मैं सर से बोला कि सर ये सोशल तो है, क्योंकि मेरे बेटी का सपना है कि वो IPS बने और मैं उसी पे सिनेमा सोचा हूँ, तो मैंने सर से बोला, बोले कि चलिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कल चल के 2-3 करोड़ रुपए, ऐसा तो ना हो जो लोग देखने नहीं आए अगर हम ज्यादा सोशल कर दे। तो हम कहने की सर प्लीज करिए, अगर हमारे अंदर हमारी भोजपुरी की खून और मिट्टी में अगर सुगंध है इसका तो लोग जरूर आएंगे। तो फिर हम लोगों ने इस सिनेमा के लिए डिसाइड किया पराग पाटिल जी को। फिर इनका सवाल आया कि वो तो मराठी हैं और भोजपुरी सिनेमा करेंगे तो क्या करेंगे। हम कहने की सर हमने देखा है और इनकी प्रतिभा को मैं जानता हूँ कि आदमी क्या कर सकता है, और पराग पाटिल जी ने जो भोजपुरी की प्रतिभा को और मिट्टी की सुगंध उस सिनेमा में डाली है, शायद ऐसा कोई कर पाएगा कि नहीं, हो सकता इससे लोग बेटर करें। क्योंकि मैं एक बेटी का बाप हूँ और मेरी बेटी जब मेरे जीवन में आई तब मेरी ये स्थिति हुई, और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा भी हूँ तो मेरे बेटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हर बेटिया को बचना चाहिए, काश हर घर में ऐसे ही बेटी हो और बेटी बचेगी पढ़ेगी। और मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करता हूँ तो अपने बेटी से। बिल्कुल पड़ेगा, अगर एक भी आदमी अपने बेटी को बचा लिया और पढ़ा लिया तो शायद हम सारी टीम, ये पूरी टीम का सिनेमा बनाना सार्थक हो जाएगा। स्वामी जी आए दिन अखबारों में खबरें आती रहती है कि आज यहाँ घटना हुई, लड़की का साथ आज यहाँ हुई, आज यहाँ। मैं क्या बोला आपसे कि बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक और अभियान चलाना चाहिए बेटे को भी समझाओ। ये अगर तीनों अभियान एक साथ चलेगा तो शायद हमारा देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो बेटियां कहां बचेगी? बेटियां बचेगी पढ़ने तो जाएगी, पढ़ने जाएगी सुरक्षित नहीं होगी, इसलिए बेटे समझाओ का भी अभियान जरूरी है। तो